5 अक्टूबर को हो सकती है प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। बजट घोषणाओं, विभिन्न विभागों में खाली पद भरने के अलावा उद्योगों को रियायत देने पर लग सकती है मोहर। एक ही जगह पर डटे पुलिसकर्मी हटेंगे, विजिलेंस और सीआईडी में नहीं मिलेगी जगह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। हालांकि अब तक सरकारी स्तर पर इस संबंध में सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। इससे पहले मंत्रिमंडल बैठक विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 14 सितंबर को हुई थी। अब अगली बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा और विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने पर मुहर लग सकती है। इसके तहत शिक्षा विभाग में पीजीटी के पद भरने का निर्णय लिया जा सकता है। विधानसभा में दिए आश्वासन के अनुसार सरकार उद्योग जगत को रियायत दे सकती है। इसके तहत उद्योगों पर लगने वाले विद्युत ड्यूटी को कम कर सीमावर्ती क्षेत्रों में उद्योगों के लिए आने वाली बसों पर टैक्स में छूट दी जा सकती है। इन बसों में पड़ोसी राज्यों से उद्योगों में कर्मचारी आते हैं। एक ही जगह पर डटे पुलिसकर्मी हटेंगे, विजिलेंस और सीआईडी में नहीं मिलेगी जगह। प्रदेश सरकार ने बंद किए जुगाड़ के सारे रास्ते, सूचियां तैयार, सीएम के हस्ताक्षर का इंतजार। हिमाचल प्रदेश में सालों से एक ही स्थान पर डटे पुलिसकर्मी हटेंगे। सरकार ने 5 सालों में एक ही जगह पर तैनात कर्मचारियों के तबादलों की लिस्ट तैयार कर ली है। यह सभी पुलिस जवान व अधिकारी पूर्व भाजपा सरकार से लेकर अभी तक एक ही जगह पर नियुक्त है। ऐसे में इन्हें विजिलेंस और सीआईडी में जगह नहीं दी जाएगी। इन सभी पुलिसकर्मियों को अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। पहले सरकार बदलने पर पुलिस जवान विजिलेंस और सीआईडी में जुगाड़ भिड़ा कर तैनाती पाते थे। इस बार तबादला आदेश में 5 सालों के एक ही जगह पर काम करने वालों को जिला में भेजा जाएगा। पहली बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सरकार के साथ काम करने वाले पुलिस जवान और अधिकारियों को विजिलेंस में शरण नहीं लेने दी जाएगी। इसी तरह से सत्तारूढ़ दल की सरकार की ओर से उत्पीड़न को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी सीआईडी में तबादला करवा लेते थे, लेकिन इस बार इस तरह की तिकड़म नहीं चल पाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि शीघ्र ही पुलिस तबादलों की सूचियां जारी होंगी।